अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। ये हम करंट अफेयर्स CSS 2016 के टॉपिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। पहला टॉपिक इसका है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हम डिस्कस करेंगे डिस्कस द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड एंड द मेजर्स रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द पेरिस कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस दिस इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज की जो बेसिक इंट्रो है वो करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज की दुनिया को सबसे बड़ा जो चैलेंज है उनमें से एक क्लाइमेट चेंज है, विद अ रेंज ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड ग्लोबल इकॉनमी। तो इसके जो असरात हो सकते हैं या हो रहे हैं वो इंसानी माहौल पर हैं, ज़मीनी माहौल पर हैं, इंसानी सेहत पर हैं, और जो ग्लोबल इकॉनमी है, दुनिया भर की जो इकॉनमी है उस पर इसके इम्पैक्ट होते हैं। देखते हैं ये इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं और उनमें से कुछ इम्पैक्ट्स का जिक्र करते हैं। सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ये आ गया हमारे पास। इन वेरी फर्स्ट जो है वो हम कह सकते हैं राइजिंग सी लेवल। क्लाइमेट चेंज इज़ कॉजिंग सी लेवल्स टू राइज, विच कैन लीड टू कोस्टल फ्लडिंग, एरोजन एंड लॉस ऑफ लैंड। जो समुद्र का जो है वो पानी बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, उससे ये चीज़ें हो सकती हैं कि जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ जो इर्द गिर्द समुद्र के किनारे पर जो आबादकारी है वहाँ पे मसला हो सकता है। जैसे रिसेंटली मलेशिया में आपने देखा है या इंडोनेशिया में, फिर इससे क्या हो सकता है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ फ्लड्स आएंगे और जो ज़मीन है वो, एरोजन का मतलब है कि ज़मीन जो दरियाओं के या समुद्रों के किनारों पे होती है वो गिर के, वो टूट के वहाँ समुद्र के या पानी के अंदर गिरेगी, और इससे बहुत सारी ज़मीन का भी, जो ज़री ज़मीन है या रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड है उसका भी नुकसान होगा। सेकंड है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स, विच कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इकॉनमी। ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं इसमें ये खदशा है कि ये बहुत मौसम के अंदर एक्सट्रीम इवेंट्स लाएंगे, या बहुत सर्दी या बहुत गर्मी के, जैसे कि आपने देखा इससे हरिकेन्स, यानी कि ये जो समुंदर के अंदर अभी साइक्लोन आपने देखा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ड्रॉट्स जैसे थार में या और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश नहीं हो, ना होने की वजह से वहाँ पर खुराक की कमी हो जाती है जानवरों के लिए, इस तरह इंसानों के लिए भी। और फिर हीट वेव्स बड़े शहरों में, कराची या लाहौर जैसे शहरों में हीट वेव्स भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होते हैं। तो विच कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकॉनमी। इनके बहुत ही जो है वो शिद्दत वाले असरात हो सकते हैं हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया का, और इकॉनमीज़ के ऊपर भी। अब तीसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज इज़ कॉजिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे जो जानवर डिफरेंट इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, वो उनके लिए यहाँ पर एक मसला हो गया है एक्सटिंक्ट का, कि वहाँ उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। देन फोर्थ वन इज़ द पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स। क्लाइमेट चेंज इज़ हैविंग अ रेंज ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन, ये हम बड़े शहरों में देख सकते हैं, द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, एंड हार्ट हीट रिलेटेड इलनेसेस। तो ये इसके पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ें जो हो रही हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज इम्पैक्ट्स, द पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP 21
ये जो था वॉज हेल्ड इन 2015, ठीक है। तो याद रखे अभी COP 27 हुआ था जो शर्मुल शेख मिस्र में। बहरहाल ये COP 21 जो था ये 2015 में हुआ टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एट द कॉन्फ्रेंस। नेशंस अडॉप्टेड द पेरिस एग्रीमेंट, अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 degrees centigrade above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degree centigrade। इसमें ये तय पाया कि इसको एक तो सब लोगों ने सारी नेशंस ने अडॉप्ट किया इसकी लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट को जो है ना लीगल बाइंडिंग हुई इसकी। इसमें ये तय पाया कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2 degree centigrade कम करना है कब से प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, जब इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो लेवल था उससे 2 degree centigrade कम करना है एंड टू परस्यू एफर्ट्स और उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अभी के टेम्परेचर से कम करना है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। अब यहाँ देखें आप, पेरिस एग्रीमेंट आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ मैकेनिज्म फॉर कंट्रीज टू रिपोर्ट ऑन देयर एमिशंस एंड प्रोग्रेस towards their climate goals and to reach up their commitments over time. Additionally, the Paris Agreement established a financial mechanism to help developing countries transition to low carbon and climate resilient economies. तो इसमें दो अहम बातें हुई, एक तो ये कि दुनिया के सामने एक इस एग्रीमेंट के ज़रिए एक मैकेनिज़म लाया गया जिसके अंदर जो कार्बन एमिशन है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाली जो गैसें हैं उन्हें कम करने की ऊपर काम किया गया कि उस पर हम उसे काम करेंगे, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये एक तय पाया कि एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाया गया ताकि जिसमें जो कंट्री ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान है तो इसको भी फंडिंग की जाएगी ऐसे ममालिक को या कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड आया इन्हीं मंथ में। तो अभी आपको पता है COP 27 में जो है पाकिस्तान को तकरीबन दुनिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ ने $9 billion की जो है ना इस मद में उन्होंने पाकिस्तान को फंडिंग करनी है ताकि पाकिस्तान जो है वो इसके अगेंस्ट बेहतर तरीके से मेजर्स अडॉप्ट कर सके। कुछ प्री मेजर्स होते हैं कुछ पोस्ट मेजर्स होते हैं तो वो तो आप समझते हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इन कंक्लूजन द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर अ सीरियस challenge facing the world and the Paris conference on climate change marked an important step to forward in addressing this issue। तो जो impacts हो रहे हैं ये बहुत ही हमें पहली तो ज़रूरत है समझने की कि ये बहुत जो है ना वो serious नोयत के हैं और इन पर तवज्जो दी जानी चाहिए। साथ में ये जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई है COP 21 क्लाइमेट चेंज पे इसमें बहुत अहम इकदाम जो उठाए गए हैं, एक तो इसके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म और दूसरा एमिशन मैकेनिज्म के ऊपर बात हुई है। हाउ एवर मच मोर नीड्स टू बी डन टू इफेक्टिवली मिटिगेट एंड अडेप्ट टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टू सिक्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। क्लाइमेट चेंज जो है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉर्डर्स, इसलिए इसको पूरी दुनिया को अभी भी ज़रूरत है कि इसको बड़े सीरियसली इसके लिए इकदाम उठाए जाएँ ताकि इसकी जो मिटिगेशन हो यानी जो इसके असरात हैं वो कम से कम किए जा सकें और अडेप्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को के मुताबिक, ताकि जो है ना दुनिया जो इसका मुस्तकबिल है वो ज़रा एक बेहतर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।